रहेगा बेटा, टॉप रैंकर इज्जत से। यहाँ पे नॉक इन शट डाउन तुरंत के तुरंत खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरीके से कहानी को। आरके स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट चलिए चलिए फाइंडी गॉर्डल के प्लेयर्स की फाइट इनिशिएट हो चुकी है और अब देखना पड़ेगा कि गॉर्डल के प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जॉनथन को हम लोग देखते हैं जो कि यहां पे हो चुके हैं नॉक। जली के ऊपर पूरा भार रहेगा, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने टीममेट को बचाने की, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से पहला फ्रैग कहीं ना कहीं जली ने अपनी टीम की ओर से सिक्योर किया। जेली के पास कोई फ्रैग नहीं, लेकिन उन्होंने अपने टीममेट्स का वो फ्रैग सिक्योर किया। जॉनथन के पास पहला फिनिश, जल्द से जल्द रिवाइवल दिया जाएगा। संस्कारी के पास देखने को मिलेगा एक बेहतरीन फिनिश और उन्हीं के साथ ही साथ पंकोत यहां पे बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनके खाते में भी एक बेहतरीन फिनिश गया है। टीटी के फॉक्स ओपी, उन्होंने एल क्राफ्ट के प्लेयर्स को डोमिनेट करने की एक बहुत अच्छी ठान ली है। और देखिए तो सही, जिस तरीके से वो नॉक कर रहे हैं, जिस तरीके रहेगा आरके स्पोर्ट्स के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फाइनली चलिए चला तो, लेकिन दिक्कत काफी ज्यादा। रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए नजर फॉर्म में ये दो खिलाड़ी, कहीं ना कहीं उम्मीद अपनी बना करके रखे कि आज के इस लास्ट मैच में वो चिकन डिनर ले सकते हैं इजी को। बहुत बढ़िया तरीके से जॉनथन ने नॉक कर दिखाया है और अब बचते हैं मोए मोए। क्या यहां से ये आरके ईस्पोर्ट्स का पूरी तरीके से इस मैच में अंत हमें देखने को मिलेगा, या यहां पे कुछ और हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जेली भी अपना पूरी तरीके से रौद्र रूप दिखा रहे, टीएमजी के अगेंस्ट में रह करके आर्यन को यहां पे नॉक किया और यहां से इनको खत्म कर दिया जाएगा जेली के वो M4 के स्प्रे के द्वारा। और फाइनली एक बार फिर से आरके के ऊपर स्विच करते हुए जॉनथन, साथ साथ वो चौथा फिनिश निकालना चाहते हैं, मोए मोए को खत्म करना चाहते हैं, जो कि यहां पे जेली होने देना चाहेंगे। पहले तो अब मोए मोए की पोजीशन को यहां पे जॉनथन, अब मोए मोए को पूरी तरीके से शट डाउन कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन इसी बीच हम लोग देखेंगे कि जॉनथन के लिए भी मुसीबतें हो रही। हाइट का एडवांटेज तो एक बेहतरीन था, लेकिन कवर उनके पास मौजूद नहीं है, एक ही पेड़ के कवर के साथ दोनों खिलाड़ी। मोए मोए अगर बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें हो सकती है। नेड एक बार फिर से देखने को मिला है, जेली कितना आगे जा चुके हैं, पीछे से यहां पे जॉनथन को मौका मिला, उन्होंने अपने टीममेट को बचाने की कोशिश की, बट यहां से हो चुके हैं जेली नॉक। अब जॉनथन के ऊपर पूरा भार, एचपी थी नहीं स्प्रे बनाने की, काफी अच्छे एरिए के साथ अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग देखेंगे एनकोर उनके साथ क्लच गॉड खेल रहे हैं, नोमी एक बार कोलैप्स होगा जरूर और उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन सी शिफ्ट होता है। बट हम लोग देखते हैं क्या के टीम लिम्ब्रा के लिए वो पूरी तरीके से एडवांटेज है, इकलौती टीम सर्कल के अंदर नजर आएगी। ड्रैगन थोड़ा सा दूर है लेकिन उनको भी मौका मिलेगा। एरोबॉट्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ऑटोबॉट्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि टॉप का एक अच्छा सर्कल अपने लिए एक्वायर, स्पोर्ट्स पूरी तरीके से सर्कल अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी के प्लेयर्स ने उनके लिए दीवार बनाई है, बट दीवारों कहां पर तो मात्र एक खिलाड़ी के साथ खेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद और शायद ये लास्ट सर्कल तक ना पहुंच सके। आरके स्पोर्ट्स काफी क्लोज है, सर्कल के बाहर देखने को मिलती है उनके अगेंस्ट में ये पूरी की पूरी टीमें हैं। नॉक करना है तो डोमिनेट कर रहे हैं, एक बार फिर से मोल्टोव किया गया क्लच गॉड के ऊपर। एनकोर काफी प्रॉब्लम के साथ, ड्रैगन अपने आप को हील करेंगे बट उससे पहले अपनी गन को रिलोड करेंगे और एक बार यहां पर इसका मतलब पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं द एंड हमें देखने को मिल सकता है पूरी की पूरी स्क्वाड का। एक खिलाड़ी नॉक, दूसरा खिलाड़ी नॉक, नोमी लास्ट यहां पे प्लेयर बचे थे उनका भी, क्योंकि सामने वाले पूरी तरीके से जगह इनके लिए खाली हो जाएगी। कहीं ना कहीं अपना बैक क्लियर करने की जो पूरी इनकी मुहिम है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जॉनथन का हम लोग डोमिनेशन देखना चाहते थे, जॉनथन आ चुके हैं मैदान में, 5 फिनिशर निकाल चुके हैं और अब देखिए कि बहुत बढ़िया तरीके से स्मोक और बहुत बढ़िया तरीके से यूटिल इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉक किया यहां पर, कोको लोको को भी शिकार बनाया। ड्रैगन इतनी ज्यादा लोचपी के साथ हो चुके कि जॉनथन का अब किसी भी तरीके से वो फ्रिज यहां से हट ही नहीं सकता है, वो उनके पास जरूर से जरूर, चाहे लेट ही सही, वो सिक्योर जरूर होगा। लेकिन अब देखिए कि जॉन